आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रेथ कैसे काम करता है और इसका पर्पस क्या होता है। तो ये ब्रेथ है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑयल होता है। ये ऑयल क्यों होता है, इसका रीज़न ये होता है कि ये ट्रांसफार्मर को कूल रखता है। इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है, ट्रांसफार्मर के ऑयल का टाइप है वो ऑनन है, यानी इट्स मीन ऑयल नेचुरल एंड एयर नेचुरल। इट्स मीन ऑयल भी नेचुरल होगा और एयर भी नेचुरली होगा, यानी कि इसमें कोई आपको फोर्स या फैन नहीं देना पड़ेगा। ऑयल भी आपको नेचुरल तौर पर कूल करेगा और एयर नेचुरल तौर पर आपको कूल ट्रांसफार्मर को कूल करेगा। ये कैसे काम करता है, जैसे ही आपके पास करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, जब हीट बढ़ेगा तो ये ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ये जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है, ये ऑयल बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जब ये बॉयल होगा तो ये ऊपर की तरफ आएगा, ये जब ऊपर की तरफ आएगा तो कंजर्वेटिव टैंक है उसके अंदर ये ऑयल आना शुरू हो जाएगा। हमेशा कंजर्वेटिव टैंक का जो लेवल होता है हमेशा हाफ होता है, जिससे कंजर्वेटिव लेवल का जो टैंक का लेवल होता है ऑयल से, वो हमेशा हाफ होता है। और यहाँ पर आपके डायरेक्शन में मेंशन है, ये देखें, ये रेड और वाइट, वो रेड बता रहा है और वाइट बता रहा है, इसका बिल्कुल लेवल हाफ होता है। इसको आप फुल इस वजह से नहीं करते क्योंकि इसके अंदर एयर होनी चाहिए, अगर ये फुल होगा तो ये फट जाएगा, तो इसलिए इसको आप हाफ रखते हैं। जब भी कोई गर्म होता है तो ऑयल ये रिवर्स आना शुरू हो जाता है, यानी ऑयल इसके अंदर भरना शुरू हो जाता है। आप ये देख रहे हैं, ये ब्रेथ है, ब्रेथ हमेशा ऊपर की तरफ कनेक्टेड होता है। ये सांस लेता है, यानी कि ये सांस लेकर और ये सांस लेकर आपको ऑयल फराहम करता है, यानी कूलिंग आपको फराहम करता है। ओके।